हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम जोलॉजी। स्टूडेंट्स, आज से एक नई सेशन स्टार्ट होने जा रही है। दिस सेशन इज नोन एज मल्टीपल चॉइस प्रेपरेशंस। तो ये सेशन अभी पार्ट वन वालों के लिए स्टार्ट किया गया है। आपके जो जोलॉजी के दो ऑनर्स पेपर होते हैं, पेपर वन एंड पेपर टू, इन दो पेपर्स को ध्यान में रखते हुए आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की एक सीरीज लाई जाएगी। इस सीरीज से क्या बेनिफिट होने वाला है आपको? आपके जो 15 मार्क्स होते थे, ठीक है, 15 मार्क्स जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए होते हैं, जो आपका क्वेश्चन नंबर वन होता है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में, जूलॉजी के एग्जाम में, तो इस क्वेश्चन नंबर वन की प्रेपरेशन हम लोग अलग से करेंगे। होता क्या है, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमने कोई भी तैयारी नहीं की होती है। इसकी वजह से एग्जाम में क्या होता है, हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तुक्का लगा के आ जाते हैं, राइट। तो अब ये जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप इस सीरीज को रेगुलर फॉलो करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते, जो कॉमन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वही पूछे जाते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से क्या पता चलता है, स्टूडेंट्स ने कितना पढ़ा है, वो चीजें जान भी रहे हैं या नहीं जान रहे, इन सारे कॉमन टॉपिक्स को लेके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप इस 15 मार्क्स के इस पूरे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे अगर फोकस करोगे, अगर इस सीरीज को आप फॉलो कर लेते हो, तो आई गारंटी आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत सारा सही होगा। एटलीस्ट आउट ऑफ 15, 10 क्वेश्चन आपके डेफिनेटली सही होने वाले हैं, ठीक है। तो इसकी तैयारी हम लोग अभी से करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास काफी टाइम भी है और हम बहुत अच्छे से अपनी प्रेपरेशन स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को अगर आपको प्रिपेयर करना है बहुत अच्छे से, तो आप क्या करो, जितने भी चैप्टर्स आप पढ़ो उससे आप हाईलाइटेड पॉइंट्स को निकाल लो, जो कि अभी हमने किया है। हम पहले हाईलाइटेड पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। जितने भी चैप्टर्स में हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं, जो पॉइंट टू रिमेम्बर वाले पॉइंट्स होते हैं, जिसको कि हमेशा याद रखना पड़ता है, उन सारे पॉइंट्स को हमने चैप्टर से बाहर निकाला, एक कलेक्शन की, और आपके सामने अभी हम पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए इस हाईलाइटेड पॉइंट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इससे क्या होने वाला है कि आपने जितनी भी चीजें चैप्टर्स में पढ़ी हुई हैं वो एक बार फिर से सामने आएगी और हम लोग एक ओवरव्यू ले लेंगे, ठीक है। तो जो लोग भूल रहे हैं उनको एक बार रिमाइंड करने का मौका मिल जाएगा, रिकॉल हो जाएंगी सारी चीजें, राइट। तो हम इसी तरह से अपनी प्रेपरेशन करने वाले हैं, ठीक है। तो आज का चैप्टर है हमारा पॉडिफेरा। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट गेट स्टार्टेड। फाइलम पॉडिफेरा, पॉडिफेरा इज ऑल्सो नोन एज पोर बियरर्स, या आप कह सकते हो कि पूरे एनिमल किंगडम का छेदीलाल किसे कहा जाता है, पॉडिफेरा को। क्यों? क्योंकि इसकी बॉडी में बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं, राइट। देखो पॉडिफेरा का पॉपुलर नेम क्या है, स्पंजेस है, ठीक है, ठीक है, या फिर हम इसको पोर बियरर्स कह सकते हैं, और अपने लैंग्वेज में याद रखने के लिए हम इसे छेदीलाल भी बुला सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो देखो स्टडी ऑफ पॉडिफेरा, जितने भी पॉडिफेरा होते हैं उनकी स्टडीज होती है। अगर हम उस ब्रांच को देखें तो इस ब्रांच को क्या कहा जाता है, पैराजोलॉजी, ठीक है। व्हाट डू वी कॉल इट, पैराजोलॉजी। स्टडी ऑफ पॉडिफेरा और स्पॉन्जेस इज नोन एज पैराजोलॉजी, ओके। पॉइंट नंबर वन, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नो टिश्यूज फाउंड। देखो पॉडिफेरा के कुछ कैरेक्टर्स को हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो पहला कैरेक्टर क्या है, जितने भी पॉडिफेरन्स होते हैं इसमें क्या होता है, सेल्यूलर ग्रेड तक की ऑर्गेनाइजेशन होती है। सेल्यूलर ग्रेड मीन्स ये सेल से बने हुए होते हैं, इसमें बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, बट हाँ ये सेल्स टिश्यूज नहीं बनते, जैसा कि हमने पढ़ा है ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म टिश्यूज। तो यहाँ पे ये टिश्यू की फॉर्मेशन नहीं करता है, बस सेल्यूलर ग्रेड तक की ही इसकी ऑर्गेनाइजेशन होती है, यहीं तक स्टॉप हो जाती है, ओके। पॉइंट नंबर टू इज सेडेंटरी सेसाइल फाउंड अटैच्ड टू द रॉक्स। तो देखो पॉडिफेरा में क्या होता है, ये एक सबस्ट्रेटम को ढूंढ के उससे अटैच हो जाते हैं और ये इसी तरह से अपना जीवन यापन करते हैं, ये फिक्स होके रहते हैं प्लांट की तरह। इज दैट क्लियर? पॉइंट नंबर टू इज क्लियर। पॉडिफेरा क्या है, पॉडिफेरा ये सारे एक्वेटिक होते हैं, ये पानी में रहने वाले जीव होते हैं, और
ये कहाँ पे मोस्टली जितने भी पॉडिफेरा के आप स्पीसीज को देखोगे ये कहाँ रहते हैं, ये रहते हैं सीज में, ठीक है, सीज में, ओशंस में, मतलब ये समंदर में रहने वाले जीव होते हैं जहाँ पे वाटर की सैलिनिटी थोड़ी सी बड़ी हुई होती है। अब देखो यहाँ पे एक एक्सेप्शन केस क्या है, फ्रेश वाटर स्पंजेस के नेम से स्पॉन्जिला जाना जाता है, ठीक है। स्पॉन्जिला कहाँ पे होता है, ये फ्रेश वाटर में एकमात्र ऐसा स्पीसीज है पॉडिफेरा का जो कहाँ पाया जाएगा, फ्रेश वाटर में। ओके, इज दैट क्लियर। एसिमेट्रिकल एक्सेप्ट ल्यूकोसोलिनिया एंड साइफा, ये एसिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। एसिमेट्री मीन्स क्या होती है, एसिमेट्री यानी कि सिमेट्री एब्सेंट होती है इनमें, ओके। तो ये ल्यूकोसोलिनिया और साइफा ये दो एक्सेप्शन है, ये इसकी बॉडी किस तरह की होगी, ये सिमेट्रिकल बॉडी होगी इसकी, ओके। डिप्लोब्लास्टिक, इनकी बॉडी में दो जर्म लेयर्स पाए जाते हैं। बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ डर्मल लेयर, देखो जो डर्मल लेयर, डर्म मीन्स क्या होता है, स्किन होता है, जो आउटर सरफेस होगा, ठीक है, जो बॉडी वॉल जिससे बनी हुई होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डर्मल लेयर। डर्मल लेयर को हम पिनाकोडर्म के नेम से जानते हैं, ओके। एंड गैस्ट्रल लेयर इज नोन एज कॉनोडर्म, ओके। और देखो डर्मल लेयर और गैस्ट्रल लेयर, इन दो लेयर्स के बीच में एक और लेयर होता है जिसको हम मेसेनकाइम के नेम से जानते हैं, ओके। मेसेनकाइम या फिर आप कह सकते हो मेसोहाइल लेयर, ओके। मेसोहाइल लेयर ज्यादातर ये फ्लूइड कंसिस्ट करता है, इसमें लिक्विड लाइक सब्सटेंस पाए जाते हैं, ओके। नेक्स्ट इज स्केलेटन, स्केलेटन इज कैलकीरियस, जो इसकी बॉडी में स्केलेटन पाए जाएंगे, मोस्टली इसकी बॉडी में क्या पाए जाते हैं, स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है, ऑस्क्यूलर फ्रिंज स्पिक्यूल से ही बने होते हैं। तो ये जो स्केलेटन यही होते हैं, इसके स्केलेटन, स्केलेटन किससे बने होते हैं, कैलकीरियस CaCO3 या फिर सिलिशियस होते हैं जो कि सिलिका से बने हुए होते हैं, ओके। और स्पॉन्जिन फाइबर्स आर एब्सेंट, या तो इनमें स्पॉन्जिन फाइबर्स पाए जाते हैं या तो एब्सेंट। तो यहाँ पे हम ओवरव्यू ले रहे हैं, ओके। ओवरव्यू का मतलब क्या होता है, हमने पहले से पढ़ा हुआ है, एक बार हम इस तरह से पढ़ेंगे जिससे कि हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट इज यूनिक कनाल सिस्टम फाउंड इन दिस फाइलम, ओनली कनाल सिस्टम हेल्प द स्पंजेस इन न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। देखो एनिमल किंगडम में जितने भी एनिमल्स हैं उसमें से सबसे ज्यादा यूनिक है हमारा पॉडिफेरा। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें एक यूनिक कनाल सिस्टम पाया जाता है। कनाल सिस्टम क्या है हमारा, कनाल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो बहुत सारी फिजियोलॉजी करने में पॉडिफेरा को हेल्प करता है, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये ऐसा कनाल सिस्टम है जो कि सिस्टम तो एक है बट ये कई फिजियोलॉजीज को एक साथ कर सकता है, ठीक है, ये कई सारे फिजियोलॉजीज को करने में केपेबल है, ओके। डाइजेशन, फिल्टर फीडर टेक फूड इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया प्रोटिस्टेंस। अब देखो इसकी डाइजेशन कैसी होगी, डाइजेशन के बारे में अगर पूछा जाए तो पॉडिफेरा है फिल्टर फीडर, ये अपने खाने को फिल्टर करके खाता है, ठीक है। इसकी बॉडी में बहुत सारे जगह पे चेक पॉइंट्स होते हैं, आप ऐसा समझ सकते हो, इसकी बॉडी में जो अनवांटेड फूड है उसको चेक करने के लिए इसकी बॉडी में बहुत सारे चेक पॉइंट्स मौजूद होते हैं जहां की ये अनवांटेड मटेरियल को बॉडी के अंदर अलाउ नहीं करता है, जहां इसे पता चल जाता है। इसकी बॉडी में आप ऐसा भी कह सकते हो कि बहुत सारे सिक्योरिटी चेकअप्स लगे होते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी चेकअप्स होते हैं जो कि अनवांटेड मटेरियल को बॉडी में इंटर करने के लिए अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसे फिल्टर फीडर कहा गया, ये अपने खाने को बहुत फिल्टर करके इंटर करता है अपनी बॉडी। तो पॉडिफेरा क्या करता है, अपनी बॉडी में खाने को बहुत हिसाब से खाता है, फिल्टर कर करके ये अपने खाने को अपनी बॉडी के अंदर जाने देता है, अलाउ करता है, ओके। पॉडिफेरा खाता क्या है, बैक्टीरिया प्रोटिस्टेंस, ओके। डाइजेशन इनसाइड द फूड वैक्यूल इज इंट्रासेल्यूलर, और इसमें जो डाइजेशन होंगे ये कैसे होंगे, ये फूड वैक्यूल्स के थ्रू होंगे, सो दिस इज इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन, ओके। रेस्पिरेशन बॉडी के, बॉडी सरफेस के थ्रू ये अपना रिस्पायरेशन कर सकता है, ओके। नर्वस सिस्टम, ओनली फाइलम इन एनिमल किंगडम विदाउट एनी नर्व सेल्स। तो देखो नर्वस सिस्टम में क्या है, यहाँ पे
ये एकमात्र ऐसा जीव है पॉलीफेरा जिसमें की नर्व सेल नहीं पाए जाते। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों ही टाइप के रिप्रोडक्शन होंगे। ओके, तो सबसे पहले हम एसेक्सुअल को डिस्कस करते हैं। बाय इंटरनल बर्डिंग, जेम्यूल फॉर्मेशन इन एडवर्स कंडीशंस। तो देखो, इसमें इंटरनल बर्डिंग होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कैसे करता है? बर्डिंग के थ्रू करता है। इसमें जेम्यूल फॉर्मेशन होते हैं जब एडवर्स कंडीशन, यानी कि कंडीशन जब अनफेवरेबल होती है। तो ये कैसे रिप्रोड्यूस करता है? सबसे पहले ये जेम्यूल फॉर्म करेगा, उसी के थ्रू ये रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हैव अ ग्रेट पावर ऑफ रीजेनरेशन। इनमें रीजेनरेशन की पावर भी बहुत कमाल की होती है। ठीक है, ये रीजनरेशन करने में भी केपेबल होती है। अब रीजनरेशन क्या है? आपने लीजर्ड को देखा होगा, लीजर्ड की क्या होती है? जब वो देखती है आसपास कोई खतरा है तो वो क्या करती है? अपने एनिमीज को डराने के लिए उसकी पूंछ कट जाती है या फिर वो अपनी पूंछ गिरा देती है। और वहां क्या होता है, वो रीजनरेशन करने में केपेबल होती है, इसलिए बाद में उसके नए टेल का फॉर्मेशन हो जाता है आसानी से, एक नई पूंछ आसानी से बन जाती है। सो दिस इज कॉल्ड रीजनरेशन। और हमारे ह्यूमन बॉडी में रीजनरेशन कहाँ पे होता है, कौन सा ऑर्गन कर सकता है? तो लीवर में रीजनरेशन बहुत अच्छे से होता है। ह्यूमन बॉडी की बात करें तो रीजनरेशन लीवर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं या फिर मोनेशियस, बाइसेक्सुअल। अब देखो, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं हर्माफ्रोडाइट, मोनेशियस, बाइसेक्सुअल। ये तीनों टर्म बेसिकली एक ही है, तो यहाँ पे इसलिए मैंने तीनों टर्म्स को एक साथ लिख दिया। इसका मतलब एक ही होता है कि यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये दोनों ही एक ही बॉडी में पाए जाते हैं। तो एक हर्माफ्रोडाइट का एग्जाम्पल आप कमेंट बॉक्स में दो। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट और कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसका एक एग्जाम्पल दे दो आप कमेंट बॉक्स में। ओके, डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज ये डेवलपमेंट कैसे करते हैं? तो इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। जहां पे भी आप इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखो, वहां पे तुरंत समझ जाओ यहाँ पे एक लार्वल स्टेज होने वाला है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मीन्स क्या होता है? सबसे पहले ऑर्गेनिज्म जब रिप्रोड्यूस करेंगे तो वहां पे क्या होगा, एक लार्वल फॉर्म होगा। जैसे कि आप फ्रॉग में देख सकते हो, फ्रॉग में क्या होता है, फ्रॉग में सबसे पहले एक टेडपोल बनता है, फिर धीरे धीरे ये डेवलप करके मेटामॉर्फोसिस करता है, यानी कि एक ऐसा चेंज आ जाता है जिसमें बहुत ज्यादा गजब का चेंज आता है। यहाँ पे क्या होता है, लार्वा से डायरेक्ट ये एडल्ट में चेंज हो जाता है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। तो ऑर्गेनिज्म जब लार्वल फॉर्म से एडल्ट स्टेज में इंटर करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, मेटामॉर्फोसिस। ओके, तो देखो मेटामॉर्फोसिस में होते हैं क्योंकि इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। अब देखो, लार्वी इज एम्फीब्लास्टुला, जो इसके लार्वल स्टेज होते हैं उसको क्या कहा जाता है, एम्फीब्लास्टुला कहा जाता है। जैसे कि साइफा में आप देख सकते हो कि इसमें एक लार्वल स्टेज भी होता है। ठीक है, पेरेन्काइमुला, कुछ स्पीसीज ऐसे हैं जिसके लार्वल स्टेज के नाम क्या है पॉलीफेरा में, पेरेन्काइमुला, स्टोमोगैस्टुला, स्टीरियोगैस्टुला एंड ल्यूकोसोलेनिया। ओके, अब देखो कनाल सिस्टम की बात हम कर रहे थे। कनाल सिस्टम ये बहुत यूनिक फीचर है जो कि पॉलीफेरा को बहुत यूनिक बनाता है अदर ऑर्गेनिज्म से, इसलिए शायद हम पढ़ भी रहे हैं कनाल सिस्टम की ही वजह से हम इस चैप्टर को भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, कनाल सिस्टम सिर्फ पॉलीफेरा में पाए जाते हैं। तो देखो कनाल सिस्टम तीन टाइप के पाए जाते हैं। सबसे पहला क्या, एस्कॉन टाइप, सेकेंड इज साइकॉन टाइप एंड थर्ड वन इज ल्यूकॉन टाइप। तो एस्कॉन टाइप क्या है, सबसे सिंपलेस्ट कनाल सिस्टम है जो कि बहुत सिंपल है। ओके, तो ये ल्यूकोसोलेनिया में पाया जाएगा। साइकन, साइकन टाइप का कनाल सिस्टम साइकन में पाया जाएगा। ओके, एस्कॉन टाइप सबसे सिंपलेस्ट टाइप का कैनल सिस्टम है। सेकेंड इज साइकॉन टाइप, थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है एज कम्पेयर टू एस्कॉन टाइप। एंड थर्ड वन इज ल्यूकॉन टाइप, जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, कनाल सिस्टम को हम लोग बहुत इजी वे में समझ सकते हैं। ठीक है, कनाल सिस्टम पॉडिफेरेंस में पाए जाते हैं। पॉडिफेरा क्या होते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहने वाले जीव होते हैं। ओके, तो यहाँ पे कनाल सिस्टम इसकी बॉडी वॉल में पाया जाता है और ये कनाल सिस्टम जो है बहुत सारी फिजियोलॉजीज में पॉडिफेरा को सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। तो क्या क्या फिजियोलॉजी है, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन,
ये कनाल सिस्टम बहुत यूनिक होते हैं और बहुत एफिशिएंट होते हैं, जो बहुत सारी फिजियोलॉजीज करने में पॉरीफेरा को हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले कनाल सिस्टम किसमें हेल्प करेगा? न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन, इन चार फिजियोलॉजीज को करने में हेल्प करता है ये कनाल सिस्टम। ठीक है, तो ये कनाल सिस्टम देखो यहाँ पे क्या, ये पानी में रहता है, तो बेसिकली चाहे जो भी फिजियोलॉजीज होती है वाटर से कनेक्टेड है। ठीक है, इसकी कोई भी फिजियोलॉजीज है ये किस पर डिपेंड है? वाटर के करंट पे डिपेंडेंट है। तो जो भी वाटर के करंट में मिली जुली चीजें होती है, जो इसका फूड बन जाती है, जबकि कनाल सिस्टम में वाटर करंट इंटर करता है, ठीक है, तो ये बहुत सारे फूड को लेके आता है, स्पर्म को लेके आता है जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, न्यूट्रिशन के लिए फूड भी वाटर करंट के थ्रू आता है, ओके, और रिस्पायरेशन करने के लिए ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स वाटर में डिजोल्व होते हैं, तो ये भी वाटर करंट के ही थ्रू पॉरीफेरा की बॉडी में एंटर कर रहे हैं, इसी पोर से एंटर करते हैं। ठीक है, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो फैले हुए होते हैं पोर्स पॉरीफेरा की बॉडी के चारों तरफ, जो छोटे पोर्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्टिया। ऑस्टिया के थ्रू ही वाटर करंट एंटर करते हैं इसकी बॉडी में और सारी फिजियोलॉजीज में हेल्प करते हैं। और लास्ट बच रहा है हमारा एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? जो भी एक्स्ट्रा वाटर है, एक्स्ट्रा वाटर के साथ में जब फूड ऑक्सीजन सब कुछ पॉरीफेरा डिराइव कर लेता है, अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है, तो बचता है सिर्फ वाटर और जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं जो कि उसको बाहर निकालना है बॉडी से, तो वो भी वाटर करंट के ही थ्रू कहाँ से निकलता है? ऑस्कुलम से। ऑस्कुलम कहाँ होता है? पॉरीफेरा की बॉडी के टॉप पार्ट पे, यानी कि हेड वाले रीजन में क्या होता है हमारा? ऑस्कुलम। ऑस्कुलम क्या है कि ये बहुत बड़ा सा पोर है एज कम्पेयर टू ऑस्टिया। ऑस्टिया क्या थे? हमारे छोटे पोर्स थे, बट ऑस्कुलम क्या है? एक बड़ा पोर है जो कि बॉडी के टॉप सरफेस पे पाए जाते हैं और वहां से ये एक्सक्रीट कर देता है। अब देखो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट तो ये एक्सक्रीट करेगा ही, साथ साथ एक्सक्रीशन में ही क्या होते हैं, ये रिलीज कर देता है अपने स्पर्म को भी, ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए, ओके। तो ये सारी फिजियोलॉजीज हमने शॉर्ट में समराइज्ड वे में समझ लिए ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए, ओके। तो ये तीन टाइप के कनाल सिस्टम है, इसी बेसिस पे आप समझ सकते हो कि तो अलग अलग पॉरीफेरा के स्पीसीज में ये अलग अलग कनाल सिस्टम पाए जाते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी है जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। एस्कॉन टाइप कनाल सिस्टम इज फाउंड इन ल्यूकोसोलेनिया, साइकॉन, साइकॉन नाम के स्पीसीज में ही पाया जाएगा साइकॉन टाइप कनाल सिस्टम, ठीक है। साइकॉन टाइप में आप एक चीज इंपॉर्टेंट है वो नोट कर लो, एक्सोपेनाकोडर्म जो है ये बॉडी सरफेस के जो अपर सरफेस है उसको लाइन करते हैं, उसके बॉडी सरफेस के नीचे क्या पाए जाते हैं? एक्सोपेनाकोडर्म। जो भी इनकरेंट कनाल है, इनकरेंट कनाल को चारों तरफ से लाइन कौन करेगी? एंडोपेनाकोडर्म, ठीक है। ये दो बेसिकली सेल्स हैं जो कि बॉडी सरफेस की निचली परत पे पाए जाते हैं, ओके। नेक्स्ट इज ल्यूकॉन, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड एफिशियंट सिस्टम। ल्यूकॉन टाइप सिस्टम सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और ये सबसे ज्यादा एफिशिएंट है, यानी कि बहुत अच्छे से ये काम करता है, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड होने के साथ साथ ये बहुत अच्छे से काम भी करता है। सो इसका एग्जांपल है स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला में ल्यूकॉन टाइप कनाल सिस्टम पाए जाते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी इज ड्यू टू थिकनिंग ऑफ वॉल, एक्सेस ऑफ मेसेनकाइम। स्टूडेंट्स हमने क्या जाना था इससे पहले? पॉरीफेरा। पॉरीफेरा क्या है? डिप्लोब्लास्टिक है। इसकी बॉडी में दो जर्म लेयर्स पाए जाते हैं, ठीक है, सबसे पहले एक्सोपेनाकोडर्म एंड सेकेंड इज इंडोपेनाकोडर्म। इन दोनों डर्म लेयर के बीच में क्या पाया जाएगा हमारा? मेसोहाइल लेयर या मेसेनकाइम पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ल्यूकॉन टाइप इतना कॉम्प्लिकेटेड कैसे बना? तो इसका एक रीजन यहाँ पे है, ये जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी होती है ल्यूकॉन टाइप कनाल सिस्टम में, इसकी इसका एक ही रीजन है कि इसकी जो मेसेनकाइम वाली लेयर है ये बहुत थिक हो जाती है, ठीक है। थिक होने की वजह से इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है और मेसेनकाइम लेयर के थिक होने से इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। अब देखो ये तीन टाइप के कनाल सिस्टम की बहुत इजी डायग्राम है, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, मेसेनकाइम लेयर बढ़ा हुआ है, इस वजह से ल्यूकॉन टाइप कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ओके। इस डायग्राम से हम एक और चीज समझ सकते हैं, यहाँ पे क्या है, जो इसकी बॉडी में छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं?
डर्मल ऑस्टिया या फिर ऑस्टिया कहते हैं, इससे ही जितने भी वाटर करंट होते हैं बॉडी के अंदर जाते हैं, या अपने साथ वाटर करंट क्या क्या लेके आते हैं, फूड लेके आते हैं, स्पर्म्स लेके आते हैं, ऑक्सीजन लेके आते हैं, राइट। और जब इसकी बॉडी में ये इंटर कर जाते हैं थ्रू डिफरेंट इन करंट कनाल्स, उसके बाद ये कहाँ जाते हैं, स्पंजोसील में जाते हैं। और स्पंजोसील में जब कि सारी चीजें यूटिलाइज हो जाती है जो वाटर के साथ आती है, जैसे कि ऑक्सीजन, फूड मॉलिक्यूल्स एंड स्पर्म्स, ये सारी चीजें जब यूटिलाइज कर लेता है पॉडी फिर अपनी बॉडी में, फिर ये अपनी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और स्पर्म के साथ साथ ये बॉडी से बाहर निकाल देता है सारे वाटर करेंट के थ्रू अपने सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड रिप्रोडक्टिव सेक्स सेल्स, ये सारी चीजें बाहर निकाल देता है बॉडी से। तो बाहर कैसे निकालेगा, एक बड़ा सा पोर होता है जिसको हम ऑस्क्यूलम के नेम से जानते हैं, ऑस्क्यूलम के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाता है, ठीक है। अब ये देख, ये तीन पथवे होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है जैसे जैसे कनाल सिस्टम के टाइप्स चेंज होते जाते हैं, ओके। तो ये आप डायग्राम बहुत अच्छे से देख लेना, ओके। तो देखो ये था चैप्टर पॉरीफेरा पे। अब पॉरीफेरा के जितने हाइलाइटेड पॉइंट्स थे मैंने उसको दिखा दिया। सेकेंड थिंग इज इसी से रिलेटेड आपके टेस्ट आएंगे, टेस्ट वाले सेशन को जरूर देखना, बिल्कुल मिस मत करना। तो दिस सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंजॉय द सेशन, एंजॉय द टेस्ट। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, ओके। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।